मैंने बहुत दृष्टांत दे दिए, समय हो गया हमारा, हम आपको इसका एक अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करते हैं। आत्मा खाता पीता नहीं है, नहीं खाता पीता। लालू प्रसाद रेल नहीं चलाते, लेकिन इस्तीफा लालू प्रसाद का लिया जाएगा। जब रेल गिरेगी तो किसी ना किसी कर्मचारी की गलती हो सकती है, और किसी की भी गलती हो सकती है, और भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब कठपुतला बनेगा, पुतला क्या बोलते हैं, कार्टून, कार्टून कार्टून बनेगा, और वो पुतले जलाए जाएंगे और जूते मारे जाएंगे, वो कौन को समझ गए, वो तो उसके मारे जाएंगे भैया, समझ गए ना दृष्टांत। सुनो, उसका एक कारण है, ये उसका एक न्याय है कि तुम कर्ता बनते तो भोक्ता बनोगे। ऐसे ये बात सच्ची है कि आत्मा ने एक परमाणु नहीं खाया, आत्मा ने आलू छुए नहीं, आत्मा ना रात को खाता ना दिन को खाता, आत्मा ने ये कपड़ा नहीं छुआ, कुछ नहीं किया। किया तो ये असंख्यात पुद्गल परमाणुओं के शरीर ने, जो स्कंद शरीर है, इसने रात को खाया, इसने दिन को खाया, इसने ऐसा किया वैसा किया, समझ लेना सब बराबर। अन्याय अनिति अवक्ष किया, कौन ने किया, इसने, सजा किसे मिलेगी, अध्यक्ष कौन है इसका, इसका मैनेजर कौन है, इसका जाननहार कौन है, इसका कौन है, आत्मा, चलो सजा पाओ। जिसने आलू खाए उसे तो आधा घंटे में यहीं, आधा घंटे में यहीं, और जिस आत्मा ने आज तक अनादिकाल से आलू नहीं छुआ, वो 84 लाख योनियों की जेल में सजा का पा रहा है। लालू प्रसाद ने रेल नहीं गिराई, इस्तीफा उसका मांगा जा रहा है। आज समझ में आया, मैंने इसलिए बात कही आत्मा खाता नहीं है, ऐसे लोग बहुत कहते हैं आत्मा तो खाता नहीं है, रात को खाओ चाहे दिन को खाओ, आत्मा तो खाता नहीं है, और द्विदल खाओ, अनछना पानी पियो, और चाहे कुछ करो, आत्मा तो, पंडित जी आत्मा तो सजा पाएगा नहीं, आत्मा तो कर्म करेगा नहीं, क्यों, खाता कहां है, बात तो सच्ची है। बोलो भैया, ए मोटरसाइकिल में पेट्रोल चोरी का डलवाया, काय का, चोरी का, काय में डलवाया, मोटरसाइकिल में, तो जेल कौन जाएगा, मोटरसाइकिल की ड्राइवर, क्षमा करना अंतिम दृष्टांत है बस, कौन सजा, सजा कौन पाएगा, ड्राइवर कि मोटरसाइकिल, अच्छा रुक जाओ, पेट्रोल कौन ने पिया, मोटरसाइकिल ने, तो जेल किसको जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, समझ गया हमारा। आज तक एक भी बस को जेल में नहीं पहुंचाया गया, चोरी की बस हो, चोरी का तेल हो, चोरी का हो, अन्याय नीति का कुछ भी हो, मोटरसाइकिल को सजा नहीं मिली, सजा मिली ड्राइवर को। ऐसे ही आज तक एक भी देह को सजा नहीं मिली, सजा मिली है ड्राइवर को। तुमने इस पेट्रोल के टैंकर में चोरी का क्यों डाला, तुमने रात्रि का भोजन क्यों डाला, तुमने आलू क्यों डाले, जब तुम नहीं खाते थे तो तुमने इसमें डाला, तो डाला क्यों, और डालते समय तुम्हारी मर्जी के सिग्नेचर हुए थे, क्योंकि तुम जाननहार थे, तुमने यश किया था, यदि तुमने यश नहीं किया होता तो तुम्हें जेल नहीं होती 84 लाख योनियों की। लेकिन जिस समय रात्रि में भोजन जा रहा था, आत्मा खाता नहीं है, बिना खाए भी मरता है, ये बेरा की बात है। आत्मा सोना चांदी नहीं पहनता, लेकिन महिलाओं के चक्कर में आके भाई लोग बेचारे अन्याय से कमाए, अनीति से कमाए, कहीं से कमाए, 10 तोले का चाहिए, 10 तोले का, 10 तोले में बेचारा 10 बार नरक में जाए भले ही। जब आत्मा छूता नहीं गहने को, नहीं छूता ना, वो तो उपचरित में गई ना, क्या गजब है, वो तो उपचार में गया। मैं अनुपचरित की बात करूं, आत्मा लिपस्टिक को छूती नहीं है, ये लीपा पोती को छूता नहीं है, इस पे आप उल्टा सीधा लगाओ कॉस्मेटिक मछली का, और कौन कौन का, वो भेल मछली का बनाई हुई लिपस्टिक, और सुअर की चर्बी से बनाई गई वो सारी क्रीम आप लगाओ, इसको जेल नहीं होगी, इसको जेल नहीं होगी, 84 लाख यौनियों नहीं होगी, सजा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि उस समय जाननहार तुम थे। बोलो भैया, आज रेल गिर जाएगी तो पूर्व रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा कि वर्तमान रेल मंत्री को, तो वर्तमान में जिस समय यह काम हो रहा था उस समय तुम मौजूद थे। बहुत मुझे तो इसमें बहुत 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 विचार आता है, आप सोच नजर शांति से, आत्मा ने कितना सुंदर पवित्र पदार्थ है, प्रभु है वो, प्रभु जिसने आज तक एक कण नहीं छुआ, रात्रि छोड़ दिन में नहीं खाया, जिसने कोई चीज छुई तक नहीं, ऐसे अरस अरूपी स्पर्शी भगवान को,
केवल इतनी सी गलती थी कि जिस समय यहां जो कुछ काम हो रहा था उस समय ये ज्ञाता दृष्टा था, उस समय ज्ञायक का ज्ञाता दृष्टा नहीं था, उस समय इनका ज्ञाता दृष्टा था। इतनी सी बात की सजा 84 लाख योनी। समय तो हो गया लेकिन 2 मिनट फिर भी लूंगा मैं, अभी मैं ले लेना, क्षमा करना मेरे को, मैं 2 मिनट में क्यों, इसकी फिर लिंक जुड़ गई, जुड़ गई ना फिर वो बात टूट जाएगी, फिर नए सिरे से कौन शुरू करेगा, इसलिए 2 मिनट में सुनो जल्दी से। कल्पना करो कि आत्मा एकदम निर्दोष पदार्थ है, देखो अभी आगे नहीं चर्चा, आत्मा एकदम निर्दोष पदार्थ, अरे रे, लेकिन अपनी प्रभुता भूल कर हमने पाप किए। पाप क्या, कौन सा, खाने का नहीं, खाने का तो इधर हुआ, पीने का तो इधर हुआ, अन्याय अनिति अभक्ष का तो इधर हुआ, सजा आत्मा को मिली। मैं एक दृष्टांत देके बात कहता हूं, मैं चौराहे पर खड़े होकर के ये कहता हूं कि मैं अब्दुल कलाम को गोली मार दूंगा, मेरे सामने आ जाए अब्दुल कलाम मैं उसको गोली मार दूंगा। अब ना मेरे पास AK-47, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल बोला है मैंने, इतना बोलते से ही क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, बंद कर दिया जाएगा, पोटा में भर सकते हैं, अभी तो पोटा खत्म नहीं हुआ नहीं, माने मेरे ऊपर मुकदमा चल सकता है। अब कल्पना करो, ना मेरे पास बंदूक है, ना कुछ है, बस केवल मैंने बोला भर है, बोला है बस, इतना सा अपराध है बोलने का, और मेरे को बंद कर दिया गया, पिटाई करी गई, बहुत तकलीफ दी गई, भोजन नहीं दिया गया, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए गए, और आखिरकार मुझे फांसी दी गई। अब समझ लो कि सुमत प्रकाश जी की न लेना एक न देना दो, न करना न खुश, क्या जरूरत थी बोलने की, एक बोलने के चक्कर में तो फांसी चढ़े हो। जैसे सुमत प्रकाश जी पे सारी दुनिया दया करेगी, बेचारे बेफ्यूल मारे गए, काहे को चक्कर में पड़े थे, क्यों बोले थे, आतंकवादियों का जुलूस निकल रहा था और सुमत प्रकाश जी खड़े खड़े देख रहे थे, आतंकवादी तो बहुत है, तो उनके चक्कर में अपन भी पकड़े गए, कर कुछ नहीं रहे थे, ऐसे 5 इंद्री के विषय वो आतंकवादी कुछ कर रहे थे, हम खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, फंस गए। सावधान होने की बात है भाई साहब, अन्याय अनिति अवक्ष से बचने की बात है, ये मत कहना कि आत्मा नहीं खाता, आत्मा तो नहीं खाता, इसलिए 3 दृष्टांत दिए हमने। अरे रे भैया, आत्मा ने जिसको भोगा तक नहीं और सजा पाली, क्या कर, मुझे तो इसमें आंसू बहते, मुझे इतनी घबराहट लगती जब ये बात मैं सोचता हूं, क्या पागल, मैंने अनाधिकाल, अनाधिकाल कैसे कहते हैं अनाधिकाल, एक सिद्धालय में विराजने वाला सिद्ध क्या पागलपंती में फंस गया, ये दिन रात अन्याय अनिति अभक्ष कोई मतलब ही नहीं, चले जा रहे हैं बिल्कुल, क्या है उन्होंने, योगिंद्र स्वामी ने कहा है प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत, हमें ऐसा लगता है मानो कोई सिद्ध पुरुष ये देह की चादर ओढ़ करके विषयों से सुख की भीख मांगने निकल पड़े हैं, कोई सिद्ध भगवान मानो देह की चादर ओढ़कर 5 इंद्रिय से विषयों के से सुख की भीख मांगने निकल पड़े हैं, हे स्त्री सुख देना, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, हे पति, हे बच्चा, हे भैया, हे भैया, अब कौन के लाजे जिए, अरे अपने लाजे जियो, कौन के लाजे क्या होता है, बिल्कुल नहीं, भगवान आत्मा को छोड़ना नहीं भैया, ये बहुत पॉइंट विचार करना, थोड़ा में कहा, बहुत थोड़े में कहा है, आत्मा ने सचमुच चरित्र है ना, चरित्र जम्मू स्वामी का, उसमें पूर्व भव में मुनि भ्रष्ट हुआ था, भ्रष्ट क्या हुआ था, 10 साल तक दीक्षा लेके 12 साल तक रहा, लेकिन अंतर में वो स्त्री की याद आती रही, स्त्री की, क्योंकि शादी के तत्काल बाद वो दीक्षा लेके चले गए, अब अंदर में तो याद आ रही, उसमें उसकी जब वो 10-12 साल बाद लौटा, 10-12 साल तक मुनि दशा में रहा, और जब लौट कर अपने गांव आया जिस गांव में रहता था, तो वहां की उसकी पत्नी मिली उसे, तो पहचान तो था नहीं, पहचान नहीं पाया उसे, बस एक पंक्ति सुना के पूरा कर रहा हूं, उस पत्नी ने एक भजन सुनाया उसको, ये तो एक भजन सुनाया कि तुम 12 साल से मुनि दशा में थे और फिर भी तुम्हें हमारी याद आ रही थी, तो उसने एक बहुत मार्मिक भजन सुनाया, पूरा भजन तो मैं फिर सुनाऊंगा कभी, अभी तो एक लाइन सुना रहा हूं, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो, क्यों तुम बिना कारण दुख भोगो, अक्षय अनंत
अक्षय अनंत सकति को स्वामी अक्षय अनंत सकति को स्वामी सिद्ध समान अवलोको काहे तुम बिनु कारण दुख भो मल सम जान विषय को त्यागो। तुमने तो 10-12 साल पहले 5 इंद्रिय के विषय का त्याग किया था ना। मल सम जान विषय को त्यागो फिर कर क्यों जो वो काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। तुम क्यों बिना कारण मेरी याद कर करके, तुमने तो त्याग किया था ना मल के समान, मल मूत्र के समान मेरा त्याग किया था 5 इंद्रिय के विषय भोग का, तुम क्यों मुझे बार बार याद करते हो। सुखमयी साधु से सिद्ध तक लख लो सुखमयी साधु से सिद्ध तक लख लो या में काहे को धोको काहे तुम बिनु कारण दुख हो। अरे तुम घर मत लौटो नाथ, घर मत लौटो, आप वापस जाओ। और आखिरकार उनको सद्बुद्धि देकर वापस लौटा दिया, वे जम्मू स्वामी बने। ओम नमः शिवाय।